कुंवर प्रताप तलवार नीचे रखे। प्रताप हमने कहा तलवार नीचे रखिए। आप रो क्यों रही है छोटी मासा? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है। पर छोटी मासा, मासा तो कहती है कि प्रताप, आपको हमारी सौगंध, इस कक्ष में जो भी हुआ इसके बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। यदि आपके दाजी राज को पता चल गया तो कोई भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाएगा। पर मासा, आपको मेरी सौगंध, वचन दीजिए किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हम सौगंध खाते हैं छोटी मासा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए, दो दिन से आपने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि आप कितने बावले हो गए। चलिए ना, मन करे खाइए, हम अपने हाथों से खिलाते हैं। ठहर जाइए कुंवर प्रताप, अब क्या हमें आपको आपके दैनिक नियम भी याद दिलाने होंगे? प्रताप, क्या आप इतनी सरलता से नित्य कर्म का अनुशासन तक भूल जाएंगे? जीजा, क्या किया है कुंवर प्रताप ने? दो दिन से तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, हम भोजन कर रहे थे तो इन्हें साथ ले आए। भटियानी जी, प्रताप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। छोटी मासा, अनर्थ हो जाता हमसे अभी, हमें अभी अपने नित्यक्रम करने हैं। बिना नित्यक्रम करे हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? प्रताप, भोजन सामने छोड़कर नहीं जाते। नहीं नहीं छोटी मासा, भोजन से पहले तो नित्यक्रम धर्म है ना हमारा। चलिए मासा। जीजा, कभी कभी समझ में नहीं आता कि किसकी प्रशंसा अधिक करे, कुंवर प्रताप की या फिर आपकी। ये पापा कैसे बनते हैं, ऐसे या फिर ऐसे? अब तो आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने दाजीराज तक से सवाल कर ले। पगड़ी बांधनी नहीं आई अभी आपको? लाइए। चलिए, पूजा का समय हो गया है। मासा, दाजीराज से हमने वे सवाल इसीलिए किया क्योंकि हम जानना चाहते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि दाजीराज जैसा प्रतापी राजा अपना धर्म क्यों नहीं निभा पाया। शम्स खान बड़े दरबार में दाजीराज का अपमान कर रहा था, फिर भी दाजीराज ने उसे उचित जवाब क्यों नहीं दिया? मासा, एक बात पूछे आपसे, क्या नित्य पूजा करना आपका धर्म है? बिल्कुल मासा। फिर कल आपने पूजा क्यों नहीं की? आप तो जानती है ना मासा कि हम दो दिन से बंदी थे। अच्छा, एक और बात पूछते हैं आपसे। हम सब जानते थे कि शम्स खान की छावनी में सिपाहियों के साथ झगड़ा कुंवर शक्ति ने शुरू किया था, फिर भी जब दरबार में आपसे पूछा गया तब आपने सारा दोष अपने ऊपर क्यों लिया? क्या वहां सब कुछ सच सच बताना धर्म नहीं था आपका? हमने आपकी मात्र दो घटनाएं ली, इन दोनों घटनाओं में आपको अपना धर्म तो पता था लेकिन इस धर्म को आप निभा नहीं सके।
जब राणा जी ने शेरशाह के सामने समर्पण कर उसे किले की चाबी दी, तब उन्होंने अपने योद्धा वाले धर्म के साथ समझौता किया। लेकिन एक कुशल प्रशासक और रक्षक होने का अपना धर्म कुशलता से निभाया, क्योंकि मेवाड़ की परिस्थिति उस समय मेवाड़ के विपरीत थी। एक और युद्ध मेवाड़ को बर्बाद कर देता, इसलिए शूरवीर होते हुए भी प्रजा की भलाई के लिए राणा जी ने अपने शूरवीरता वाले धर्म के साथ समझौता किया। और कल जो दरबार में हुआ मासा, यदि क्रोध में आकर राणा जी एक भी गलत कदम उठाते तो शमशान की छावनी उखाड़ फेंकने की उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती। पता है राणा जी को शमशान से यह समझौता कितना महंगा पड़ा? महंगा? उसके लिए राणा जी को राजकोष से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी है कि अब किले के कर्मचारियों का वेतन भी राणा जी को निजी कोष से देना पड़ रहा है। इसलिए कर्मचारियों ने अपना वेतन तक लेना बंद कर दिया है। कुंवर जी, एक राजा को युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र के बाहर भी हर पल सूझबूझ की परीक्षा देनी पड़ती है। हम समझ गए मासा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम इसी समय जाके दाजीराव से क्षमा मांगेंगे। सारी वसूली के बाद आपको गुजारे के लिए आपका हिस्सा हम आपको देंगे। राजपूत सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, लेकिन शम्स खान दरबार में मातृभूमि का अपमान करता रहा, फिर भी किसी राजपूत की तलवार उसे दंड देने के लिए नहीं। जा रहे राणा जी, हमें तो आपके साथ दो घड़ी बैठने का अवसर भी नहीं मिला। और जब नसों में खून बदले की आग में उबल रहा हो तो महल के सारे सुख चैन शत्रु से लगते हैं। हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे राणा जी, हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं मेवाड़ के राजा को अपना फर्ज निभाने से नहीं रोक सकती। हम ये भी जानते हैं कि आप पहले मेवाड़ के राजा हैं, फिर हमारे। ऐसे किस मुहिम पर निकल रहे हैं? मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए आज हम पहला ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। आप देखिएगा पटियानी जी, शम्स खान उस दिन और उस पल के लिए पछताएगा जब वो हमारे महल में आकर हमारा, हमारी प्रजा का और हमारे परिवार का अपमान किया। बहुत पछताएगा शम्स खान। एक लिंगनाथ जी के आशीर्वाद आपकी रक्षा करें। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यही कि कुंवर प्रताप बंदी गृह से बाहर तो आ गए ना? जी हाँ, आपके कुंवर जी बंदी गृह से वापस आ गए और वो किसी भी वक्त आपको प्रणाम करने आ सकते हैं।
अब हमें चलना होगा। कुंवर प्रताप से कहिएगा कि जो पाठ उन्होंने सीखा है उसे हमेशा याद रखें। राणा जी, एक बात कहें आपसे, जल्दी लौट कर आइएगा। आपके बिना एक क्षण भी सदियों समान लगता है। प्रजा की भलाई के लिए राणा जी ने अपने शूरवीरता वाले धर्म के साथ समझौता किया। यदि क्रोध में आकर राणा जी एक भी गलत कदम उठाते तो शमशान की छावनी उखाड़ फेंकने की उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती। राजीराज अपने कक्ष में है? अन्नदाता तो अभी अभी गए हैं। क्या चले गए? जी नहीं, जाने दीजिए भाई शक्ति, हमें दाजीराज से मिलना है, जाने दीजिए हमें। आपको हमारा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। देखिए हमें देर हो रही है भाई शक्ति, हमें जाने दीजिए। हम जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप भाई हैं। नहीं, आपने ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी सब प्रशंसा करें, ताकि दाजीराज की नजरों में आप चढ़ सके। भाई शक्ति, आप जानते हैं दाजीराज से हमें प्रशंसा नहीं दंड मिला था। दो दिन महल में हम भी बंदी बनकर रह सकते थे, पर आप तो हमें कभी वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं देते। आप उस दिन डर से थर थर कांप रहे। तो क्या हुआ, हम कांपते कांपते दिखा देते वीरता, प्रशंसा तो मिलती हमें भी। भाई शक्ति, आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर हमने वो किया जो उस समय हमें उचित लगा। अब जाने दीजिए। जाने दे, हमें दाजीराज से मिलना है, जाने दीजिए हमें। क्षमा करें बाबूजीराज, आपके लिए हमें अन्नदाता के स्पष्ट आदेश हैं कि आपको हथियार बंद रक्षक के बिना किले के बाहर नहीं जाने दिया जाए। देखिए हमें इसी समय दाजीराज से मिलना है, आप क्यों रोक रहे हैं हमें, हमें जाने दीजिए। क्षमा करें बाबूजीराज, हमें आदेश नहीं है। देवीदास दादा, हमें पता है आप दाजीराज के पास जा रहे हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। क्षमा करें बाबूजीराज, हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्नदाता गुस्सा हो जाएंगे। हम शपथ लेके कहते हैं हम आपके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करेंगे, हमें तो केवल क्षमा मांगनी है दाजीराज से। ले चलिए ना दादा। चलिए। तुम्हारी बहन के ब्याह के लिए, पर हाँ इसे लौटाना मत भूलना। चलिए बाजीराज। हुकुम। घबराओ मत, जब बाबूजीराज हमारे साथ बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, कोई तुम्हें कुछ क्या बोलेगा, डरो मत। दादा। हाँ। दरबार में शम्स खान वाली झड़प के बाद में सुना है कि सभी राजकर्मचारियों ने वेतन लेना बंद कर दिया है, फिर आपके पास में इतनी सारी अशर्फियां कहां से आ गई? वो क्या है ना बाबूजीराज, कि हम बचत बहुत अधिक करते हैं, तो अगर किसी गरीब को किसी काम की जरूरत पड़े तो उसका काम ना रुके। अच्छा अभी हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो रही है, अन्नदाता भी बैठक में पहुंच चुके होंगे ना। बाबूजीराज कौन सी बैठक में गए हैं? इसके में कोई जानकारी नहीं बाबूजीराज, अभी हमें तुरंत चलना चाहिए। Thank you.
इस वक्त न छेड़ो हमें। नायक खान, तुम हमें अपनी मेहनत का मजा ही नहीं लेने देते। कब से नजर थी उदय सिंह के इस घोड़े पर हमारी, आज ये तोहफे में हमें मिल गया है, तो हमें इसका लुत्फ तो उठाने दो। राजपूतों के घोड़े पे चढ़ के राजपूतों का ही सर कुचलेंगे, कितना मजा आएगा। और फिर फक्र से तुम सब हमारे लिए नारे लगाओगे, शम्स खान जिंदाबाद। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि उदय सिंह के यहाँ से अशर्फियों की पहली खेप आ चुकी। खुद को कितना शूरवीर समझता था उदय सिंह, लेकिन दरबार में चूहा बन गया और सारा का सारा मेवाड़ आपके कदमों में लाके रख दिया। ले जाओ इस बेवकूफ को हमारी नजरों के सामने और खार के रेगिस्तान में तपती रेत में छोड़ना। भूख प्यास और लू के थपेड़ों से तड़प तड़प के मरना चाहिए बेवकूफ। अगर ये तू सोचता है कि उदय सिंह ने हमसे घबरा के हमें ये सब दिया है, तो फिर तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में दूसरा नहीं है। उदय सिंह तो इसलिए चुप क्योंकि वो हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। वो नहीं चाहता कि उसकी साजिश पकने से पहले खुल जाए। राजपूतों की रगों में चीते का खून होता है, वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे। हम उन्हें जितना दबाएंगे, वो पलट के वार करने के हम पे उतने ही मंसूबे बनाएंगे। मैं सूंघ रहा हूं एक साजिश। उदय सिंह, मुझे बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार है तेरी एक कमजोर से जवाब का। उधर तू फोकस, हम पे हमला करे और हम तेरा सर अपनी जूती से कुछ यूं कुछ यूं कुछ यूं 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 यूं। देवीदास दादा, आप हमेशा घोड़े पर हमें धूप से बचाने की कोशिश करते हैं ना, पर जब हमें सारी उम्र युद्ध के मैदान में रहना है तो अभी से धूप में घुड़सवारी की आदत तो डालनी होगी ना। बाजीराज, ये सही है कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं और मैं आपका एक साधारण सा सेवक, मगर भूल चुक माँ, मैंने सदा आपको अपने बच्चों सा माना और फिर बड़ों के होते बच्चों की आंख पर धूप पड़े, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बाबूजीराज? हमारे राजपुरोहित ने हमें अपनी योजना के लिए तिथि बता दी। इससे पहले कि हम आप सामंतों के सामने अपनी योजना खोलें, हम आपको एक कठोर सत्य बताना चाहते हैं। मां चामुंडा पर बलि चढ़ाने के लिए हमें अपने कुछ बहादुर राजपूतों के सर चाहिए ताकि मां चामुंडा का आशीर्वाद हमें मिल सके। हम तंबू के अंदर बैठे हैं, आप लोग आपस में सलाह कर लीजिए कि कौन इस पुण्य कार्य के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। जो भी तंबू में हमारे पीछे आएगा उसे बलि के लिए तैयार समझा जाएगा। रावत साईदास चुंडावत पीढ़ियों से मेवाड़ राज घराने के विश्वास पात्र, मेवाड़ी फौज के हरावल दस्तेदार,
मेवाड़ के लिए बलिदान के पहले हफ्ता। राज राणा सूरतन सिंह, इनकी तलवार हवा से भी तेज चलती है। राज राणा बलराम सिंह, जो पृथ्वी के किसी भी घोड़े को चुटकियों में साध सकते हैं। राव प्रताप सिंह, रावत श्री, आइए सांगा सिंह जी, आइए। आप सभी शूरवीर हैं, मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार। आप सब हमारे एक इशारे पर अपनी जान लुटा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पर्याप्त है? क्या हुआ देवीदास दादा, हम रुक क्यों गए? बाजीराज, लगता है अन्नदाता की बैठक आरंभ हो चुकी है, आप यहीं रुकें और उनकी प्रतीक्षा करें। बैठक के बीच में वहां नहीं जा सकते, लेकिन मुझे उनकी सेवा के लिए वहां मौजूद रहना, इसलिए मैं जाकर अपनी तैनाती लेता हूं। आप चिंता ना करें दादा, हम यहीं रुक के दाजीराज की प्रतीक्षा कर लेंगे। हमारे बाप दादाओं ने और उनके बाप दादाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी तक लगा दी, और एक लिंग नाथ जी के आशीर्वाद से वो सफल रहे, स्वतंत्र रहे। इसलिए मेवाड़ सफल रहा, मेवाड़ स्वतंत्र रहा। दूसरी ओर हमने शेरशाह के सामने आत्मसमर्पण किया, और आज उसकी मौत के 41 दिनों बाद उसका सेनापति शम्स खान अपनी छावनी की शक्ति बढ़ा रहा है, हमें पूरी तरह से गुलाम करने के सपने देख रहा है। आज चित्तौड़ के किले पर मेवाड़ का ध्वज नहीं, अफगान का ध्वज लहरा रहा है। क्या यह सब देखकर आपका सर लज्जा से झुक नहीं जाता? क्या आपका मन नहीं रोता? बोलिए, क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि हमें अपनी भूमि पर छुप छुप कर मिलना पड़ता है? क्या वो सब कुछ सोचकर आपके मन में उसका खून बहाने की इच्छा नहीं हुई? आप आदेश करें कि क्या करना, आपके एक इशारे पर हम हंसते हंसते मेवाड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। सोच लीजिए एक बार फिर, क्योंकि बलिदान की राह पर चलने वालों के लिए वापसी का मार्ग नहीं होता। आज्ञा दीजिए महाराज, हम हर बलिदान के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.